खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं, कल 2019 लोकसभा चुनाव का आखिरी मतदान है। इस बार बीजेपी की चुनौती अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की होगी। दरअसल इस चरण में एनडीए की 40 सीटें दांव पर हैं। यह तस्वीरें कोलकाता में ईवीएम मशीनों को बूथ तक पहुंचाए जाने की। कुछ ऐसी तस्वीरें पंजाब के लुधियाना से हैं। पंजाब की सभी 13 सीटों पर कल मतदान होना है। 8 राज्यों में कुल 59 सीटों पर मतदान होना है। बता दें कि आखिरी चरण में यूपी की 13, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की 13, मध्य प्रदेश की 8, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां 7 चरणों में मतदान हुआ। यहां भी चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2014 में इन 59 सीटों में से एनडीए ने 40 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिनमें से 33 सीटों पर बीजेपी जीती थी, जबकि सहयोगी पार्टियों ने 7 सीटों पर कब्जा किया था। बाकी बची 19 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट मिली थी। पश्चिम बंगाल की 9 में से 9 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। आम आदमी पार्टी पंजाब में 4 सीट जीती थी। सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। इन 59 सीटों में 918 उम्मीदवार मैदान में और करीब 10 करोड़ वोटरों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। वहीं चुनाव आयोग की चिंता पश्चिम बंगाल को लेकर भी है। 7वें चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीरें फिर सामने आई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में जय श्री राम का नारा लगाने पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई, जिनमें दोनों पक्षों को चोट आई। मतदान से पहले हिंसा की खबर दक्षिण 24 परगना से भी आई। हिंसा के चलते ही पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार एक दिन पहले ही खत्म कर दिया गया था। ऐसे में नजरें इस बात पर भी होंगी कि आखिरी चरण बिना चुनावी हिंसा के संपन्न हो पाता है। 2019 की नई लोकसभा के नतीजे 23 मई को सामने आएंगे।